तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको हेलो माइनक्राफ्ट लॉन्चर में 100 प्लस एपीस लाके दिखाने वाला हूं आपके सामने। तो गाइस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, और हां गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको सेटिंग्स पर आ जाना है, और यहां पर आपको जावा पार्ट पर जाना है, और जावा पार्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर गाइस आपको ऑटोमेटिकली पर आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है थोड़ा सा। उसके बाद यहां पर आपको जो मेमोरी दिखाई दे रहा होगा यहां पर नीचे आपको ऑटोमेटिकली पर यहां पर आपको टिक कर देना है इस बॉक्स पर। और इसके बाद यहां पर आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, तो यहां पर आपको बॉर्डर रेंडरर को होली पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर मैं होली पर सेलेक्ट करके रखा हुआ हूं। तो यहां पर आप चाहो तो नीचे वाले को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ओपन जीएल 4.3 को। तो गाइस अब आपको यहां से बैक आ जाना है। तो यहां से अब मैं बैक आ जाता हूं। बैक आने के बाद अब आपको यहां पर ऑल इंस्टेंस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऐड अ न्यू इंस्टेंस पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको 1.16.5 वर्जन को सेलेक्ट कर लेना है और उसी को इंस्टॉल कर लेना है। गाइस अगर आप 1.16.5 से ऊपर वाले वर्जन चलाओगे तो भाई वो क्रैश हो सकते हैं, ठीक है। मेरा क्रैश हुआ है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आपकी फालतू की एमबी चली जाएगी, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं 1.16.5 चलाओ, ये बहुत ही अच्छा चलेगा, ठीक है। तो इसे मैं आगे से ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ हूं, तो इसे मैं यहां पर लॉन्च गेम पर क्लिक करके इसे स्टार्ट कर लेता हूं। तो गाइस यहां पर जो हमारा गेम है ये अभी ओपन होने वाला है, तो हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो यहां पर गाइस ये ओपन हो रहा है, और ये ओपन हो चुका है। और इसके बाद यहां पर मैं सिंगल प्लेयर पर क्लिक करके यहां पर वर्ल्ड को ओपन कर लेता हूं जल्दी से। तो गाइस अभी मैं आपको गेम प्ले में एपीएस दिखाऊंगा कि अभी कितने एपीएस देखने को मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं सेटिंग्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो एपीएस हैं कितने इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा वर्ल्ड है ये ओपन हो चुका है, और यहां पर गाइस मैं आपको एपीएस चेक करा देता हूं। अभी फिलहाल तो जो हमारा गेम है अभी थोड़ा सा लैग देखने को मिला है, बट इतना भी लैग नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप एपीएस देख सकते हो गाइस, यहां पर जो हमारे एपीएस हैं ये 15-16-19 तक यहां पर एपीएस जा रहे हैं। तो गाइस अब मैं आपको 100 प्लस एपीएस लाके दिखाता हूं कि 100 प्लस एपीएस आप कैसे ला सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आपको यहां पर गेम को पॉज कर देना है। तो इसके लिए यहां पर आपको ईएससी बटन पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको ऑप्शंस पर जाना है। ऑप्शंस पर जाने के बाद यहां पर आपको वीडियो सेटिंग्स पर जाना है। वीडियो सेटिंग्स पर जाने के बाद यहां पर आपको ग्राफिक्स दिखाई दे रहा होगा, आपको ग्राफिक्स ये फैंसी पर है तो इसे आपको फास्ट पर कर देना है। इसके बाद जो रेंडर डिस्टेंस दिया हुआ है इसे आपको 4 पर कर लेना है, 2 या 4 पर कर सकते हो, 4 से ज़्यादा मत रखना, ठीक है। इतना रखने के बाद यहाँ पर आपको स्मूथ लाइटिंग दिखाई दे रहा होगा, आपको इसे मिनिमम पर कर देना है, मिनिमम, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर मिनिमम पर कर देता हूँ, या आप स्मूथ लाइटिंग को ऑफ भी कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं मिनिमम पर ही रखूँगा, आप भी मिनिमम पर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो मैक्स फ्रेम रेट दिया हुआ है ये यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर आपको इसे 200 कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे 200 कर लेता हूँ। तो आपका यहाँ पर जितना भी FPS हो आप उसे यहाँ पर 200 FPS कर लेना। तो यहाँ पर मैंने 200 FPS कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो क्लाउड्स दिखाई दे रहा होगा ये फैंसी पर है, तो आपको इसे ऑफ कर देना है या फास्ट पर कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसे फास्ट पर रखूँगा, आप चाहो तो इसे ऑफ भी कर सकते हो क्लाउड्स को। इसके बाद यहाँ पर जो आपको मिपमैप लेवर्स 4 दिखाई दे रहा होगा आपको इसे ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर मैं मिपमैप लेवर्स को ऑफ कर देता हूँ, आपको भी ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको एंटिटी शेडोज दिखाई दे रहा होगा ये ऑन है, तो इसे आपको ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो पार्टिकल्स ये ऑल पर है तो इसे आपको मिनिमल कर देना है। तो यहाँ पर आपको यही कुछ सेटिंग्स करनी थी जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा चुका हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस यही आपको सेटिंग्स करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करके आपको यहां से बैक आ जाना है। तो यहां से बैक आकर अब मैं आपको गेम के FPS दिखा देता हूं कि अब कितने FPS मिल रहे हैं हमको, ठीक है। तो यहां पर मैं बैक आ जाता हूं, यहां से बैक टू गेम पर क्लिक करता हूं। तो यहां पर मैं FPS को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो गाइस यहां पर जो हमारे FPS हैं ये 100 के पार जाने लगे हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस यहां पर मैं बटन को हाइड कर देता हूं, उसके बाद यहां पर मैं आपको FPS चेक कराता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो गाइस, आप देख सकते हो FPS हैं जो कि हमारे कितने ज्यादा आने लगे हैं। तो इसी तरह से आप FPS को इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आज की ये वाली वीडियो को पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।